माँ बोल जा रहे भरत प्राइवेट आईटीआई कंसो मऊ से, मैं इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक अजीत कुमार आपको इलेक्ट्रीशियन के संबंध में जानकारी दूंगा, जिसमें ट्रांसफार्मर होगा और ट्रांसफार्मर हिंदी में इसको ट्रांसफार्मर को परिणामित्र कहते हैं। ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर में जो युक्ति होती है दो वाइंडिंगें स्थापित की जाती है, एक जो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में धारा, प्राइमरी में हम धारा को प्रवाहित करते हैं और सेकेंडरी में धारा बिना कहे हुए स्थानांतरित हो जाती है। यानी हम ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत का है इसके विषय में बताना चाहते हैं। ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता और ट्रांसफार्मर में जो इंडक्टेंस होता है केवल एसी परिपथ में ही होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर केवल एसी परिपथ पर ही कार्य कर सकता, डीसी पर नहीं। इंडक्टेंस शब्द एक आया हुआ है ट्रांसफार्मर में सिद्धांत में। इंडक्टेंस है का चीज किसी कुंडली का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाली धारामान परिवर्तनों का विरोध करती है, इंडक्टेंस कहलाता। और ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का चीज है दो कुंडलियों का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाली धारामान परिवर्तनों का विरोध करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। इस विषय में आपको मैंने जो बताया है उसके आगे उसके कार्य प्रणाली के विषय में बताने जा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली जो है इसमें दो वाइंडिंगें स्थापित की जाती है ट्रांसफार्मर में, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? जिस वाइंडिंग में धारा का हम प्रवाह करते हैं वह वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जिसे हम कहते हैं जिसको लोड से संयोजित किया जाता है जिस वाइंडिंग को, वह सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और ट्रांसफार्मर में जिसमें हम धारा का प्रवाह करते हैं प्राइमरी में, तो ट्रांसफार्मर में परिवर्तनशील धारा हम प्रवाह करते हैं क्योंकि डीसी पर यह कार्य नहीं करता। तो धारा जब हम प्रवाह करते हैं तो यह अपना जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है परिवर्तनशील हो जाता और परिवर्तनशील होता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत सेकेंडरी के जो कुंडली है उसमें भी धारा का प्रवाह हो जाता और यह ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए और उस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए वह अपना जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करे, उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कुंडली स्थापित कर दिया जाए तो उसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप होता ट्रांसफार्मर जिस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम और सेकेंडरी में टर्न की संख्या अधिक स्थापित किया जाए अधिक हो वह ट्रांसफार्मर स्टेप अप कहलाता। और स्टेप डाउन वह ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक हो और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम हो वह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है।